फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं बना रही हूँ चूल्हे में खाना, और मैंने जो है कल रात भी दुकान से आके बनाया था। यार रखा यहाँ पे कृष्णा सुबह चाय पीने, और ये बन गई हमारी चूल्हे की गर्मा गर्म चाय, और बहुत स्वाद भी और अच्छी भी हो रही है। अब बना रही हूँ मैं हरी सब्जी। तो यहाँ पे ना ये भी ले आई हूँ मैं किचन गार्डन से हरी सब्जी तोड़ के अभी, और ये मैंने आधी काट भी दी है। और इसमें उबली है राजमा और मसूर की दाल, और ये रख दी है कढ़ाई लोहे की। बैठ जा कृष्णा, और इसको भी दे दूंगी मैं चाय। और ये है मेरी चाय बनके रखी रेडी। तो यहाँ पे जो है मैं सब्जी काट रही हूँ, जो मेरी आधी तो कटी हुई थी, आधी रह गई थी, वो सारी काट दूंगी। तो भी मुझे जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है चूल्हे में खाना बनाना, और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पहाड़ी लाइफ स्टाइल जीना, क्योंकि मैं जब गांव गई थी तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बच्चे नहीं रह रहे थे इसलिए हम बहुत जल्दी घर आ गए थे वहाँ से। तो मैंने यहाँ पे छोड़ दी अपनी हरी सब्जी जो मैंने बनाने रख दी है, और ये हो गई है मेरी राजमा और मसूर की दाल उबल के तैयार हो रखी है। यहाँ पे मैंने सब्जी में जो है एक दो आलू भी डाल दिए थे काट के, लेके आ गई मंडवे का आटा। और मैंने इसमें थोड़ा सा ये कर दिया है गेहूँ का आटा मिक्स, गेहूं और मंडुए के आटे की दोनों की मिक्स रोटी बना दूंगी। और ये मैंने ना चूल्हे में ही कर रखा है गर्म पानी, इससे भून दूंगी मैं आटा। तो यहाँ पे जब तक मैं आटा गूंद रही थी तो संगीता भी आ गई थी बैठने के लिए, और उसे भी अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठना, तो मैंने उसके लिए एक कप चाय भी बना दिया था। तो यहाँ पे वो चली गई है इस टाइम पे शॉप में, और मैं बना रही हूँ मंडुए की रोटी। राजमा और मसूर की दाल का भी छौंका लगा दूंगी हाथ में। मैंने टमाटर प्याज इसमें डाल दिए हैं, पड़ गए हैं मसाले। तो मैं यहाँ पे जो है एक साइड का कोना रह गया था मेरा सफाई करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए आ गई हूँ। खाना मैंने सब बना दिया है, और झाड़ू पोछा जो होता है सारा काम मेरा निपट गया है। तो यहाँ पे जो है मतलब सोवित मेरी मदद करने के लिए आ रखा है, और वो कर रहा है, सिर्फ वो आ रखा है मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे। तो वो अक्सर ऐसे ही रहता है, जैसे मैं कोई काम करती हूँ तो वहाँ पर आ जाता है मेरी मदद करने के लिए, बातें करने के लिए। तो फिर बस हम दोनों लगे हैं ताई बेटा यहाँ पर सफाई करने में। तो फिर ना मुझे सभी कह रहे हैं घर वाले कि ये क्या नया भूत लग गया है चूल्हे में रोटी बनाने का। तो मुझे तो ना बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से, और आपको भी किसी को अच्छा लगता होगा तो कमेंट करके बताना, क्योंकि ना पहाड़ी लाइफ स्टाइल जीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो काफ़ी मतलब जो रहते हैं पहाड़ों में उन्हीं को पता होगा कि कितनी मुश्किल होती है पहाड़ी लाइफ स्टाइल जीना, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो आजकल का इंजॉय है मतलब चूल्हे में रोटी बनाना वो कर रही हूँ मैं आजकल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने कर दिया अपना पूरा किचन साफ, और देखिए यहाँ पे मैंने चीनी, चाय पत्ती और मसालदानी भी लेके आ गई हूँ अपने ऊपर वाले किचन से। अब मैं सर्दियों में यहीं पे बनाऊँगी खाना, मुझे नहीं पता मैं बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी, पर आज मेरा मन हुआ तो मैंने यहाँ पे कर दिया सारी साफ़ सफाई, और सुबह का नाश्ता तो मैंने बना लिया था। और अभी मैं मेरे बर्तन रखे हैं देखो धुलने के लिए, ऊपर वाली टोकरी भी मैं यहीं पर लेके आ गई थी। तो अब जो है मैं लगाऊँगी किचन गार्डन में। इसका मौसम देखो ऐसा मस्त वाला, बारिश आने वाली है। और मेरी जो है ना प्याज की पौध भी हो गई है तैयार, तो वो है मेरी प्याज की पौध। तो इसी वाली क्यारी को बनाऊंगी मैं। अब किचन तो मैंने सेट कर दिया, इसको बना दूंगी और यहाँ लगा दूंगी प्याज, देखते हैं कितना होता है काम। और सोबित भी रहेगा मेरे साथ में काम करने के लिए। तो यार अभी मैं बर्तन धुल दूँगी फिलहाल, मुझे फिलहाल धुलने हैं बर्तन। तो बर्तन भी मैं नीचे ही धुलूँगी, यहाँ पर बर्तन मोटर का पानी से नहीं, मोटर का पानी गर्म रहता है। ओ भाई किस सोबित गिर गया था, अभी बच गया और टूटी हुई स्टूल में बैठा हुआ सोबित और यहाँ पे मजे से बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ कोई हेल्प नहीं कर रहे। यहाँ पे बैठ के देखना क्या काम चल रहा है इनका, नाश्ता पानी करके ऐसे अपने अपने रजाइयों में बैठे, और बेचारा सोबित है सिर्फ मेरे साथ में। अभी दूसरा भी दिखाती हूँ बैठी हुई है, ये देखो ये भी रजाई के अंदर ठंड में, और ये लेटा हुआ कृष्णा। तुझे पता है फिर सोबित ने करा मेरे साथ सारा काम, क्या सारा किचन की साफ सफाई मेरे साथ में। ठंड हो रही कहाँ जाएगा, तो चूल्हे में तो गर्म है ना। और कृष्णा यहाँ पे लेटा हुआ, कशिश महारानी ये यहाँ पे लेटे हुए, देख रहे हो सबके काम। कन्नू को भी दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको कन्नू को। तो सोबित सबको दिखा रहा है, कह रहा ताई सिर्फ मैंने आपकी हेल्प करी है।
और ये देखो ये मेरा किचन, आज मैंने इस बेचारे किचन में कुछ भी नहीं बनाया, बिल्कुल आज गंदगी है। और दूसरी ये है, तीसरी ये बैठी हुई है, नाश्ता करके आ गई थी सिर्फ यहाँ। सोबित ने करी मेरी पूरी हेल्प, है ना काशिबित, किचन नीचे का टेम्परेली किचन चमकाने में ये बैठे हुए तीनों। प्यारे प्यारे गुलाबों के फूल भी हो रखे हैं। ये मैंने जो बीन्स लगाई थी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, इस पर भी जो मेरे को गुड़ाई करनी है पूरी। और ये मटर है, मटर भी मैंने साथ में ही लगाई थी, इस पर फूल आने चालू हो गए हैं। और प्यारी प्यारी देखो इस पर आ गए हैं फूल, अब लग जाएगी मटर। और ये है मेरी टमाटर की, इस पर भी टमाटर लगने वाले हैं। तो मैंने घर का सारा काम निपटा दिया, झाड़ू पोछा, और किचन में भी मैंने जो करनी थी साफ़ सफाई चूल्हे वाले किचन की वो हो गई है। और मेरी जो प्याज की पौध है उसको लगा दूंगी यहाँ पे। तो अब मैं लगती हूँ अपने काम पे और फटाफट करती हूँ अपने प्याज की तैयारी, मतलब जो प्याज लगाने के लिए क्यारी बनाती हूँ, क्यारी को कर दूंगी रेडी डॉल बना के। वो तो लगती हूँ मैं अब अपने काम पे। क्यारी बनके हो गई है तैयार, और अब यहाँ से निकाल दूँगी हल्की सी प्याज की पौध। और अभी टाइम लगेगा तो ये वाली भी बनानी है मुझे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा गोबर, गाय का गोबर होता है जो, वो लेके आ जाऊँगी और इसमें डाल दूँगी। सारी क्यारी पे प्याज लग गई है, और अब मैं इसमें पानी लगा देती हूँ। ये देखो सारे लगा दिया है प्याज की पौध, और वो भी अभी वाली क्यारी नहीं लग पाई आज। तो फिर अभी ना हम लोग बना रहे हैं चाय, और संगीता बैठी है चूल्हे में। तो संगीता भी मेरी तरह बहुत खुश हो रखी है चाय बनाने के लिए चूल्हे में। और ये देखो ये बैठी हुई संगीता यहाँ चाय बनाने के लिए। बहुत मजा भी आ रहा आज तो, है ना संगीता। हाँ यार केतली अब लाऊंगी ना मैं, नहीं लानी पास। या दुकान जाने के बजाय ना यहाँ पे हम चूल्हे में बैठ के बना रहे चाय। चाय भी दूसरी चाय, दुकान जाना छोड़ा हमने, टाइम भी हो गया 3:30। ये बन गई हमारी गर्म गर्म, ये डाल देंगे इसमें दूध, बहुत मजा आ रहा है। चाय पत्ती कम होगी ना यार, और डाल फिर चल। और ये ना हम बूढ़े होने के बाद खेल रहे चुल्ली भांडी। ये हमने यहाँ चुल्ली भांडी बना रखी, देखो ये सारी पूरी चूल्हा भांडी बना रखी। अपने बचपन में खेलते होंगे चूल्हा भांडी, जो गढ़वाली होंगे उन्हें तो पता चल रहा होगा चूल्हा भांडी क्या होती है। और जो गढ़वाल से नहीं होंगे तो क्या होता है, जैसे किचन आजकल किचन क्या आते हो, किचन सेट वाला, किचन सेट आते हैं बच्चों के ना, तो चूल्हा भांडी क्या समझेंगे। तो जो हम गढ़वाली हैं हम लोग तो मतलब जान रहे होंगे चूल्हा भांडी किसे बोलते हैं। बचपन में ना चूल्हा बना देते थे ऐसी पत्थर दो रख के इस तरह से, तो ये भी खेलते थे अपने बचपन में, और हमने भी बहुत खेल रखा अपनी बड़ी और छोटी बहनों के साथ में। और जो आजकल किचन सेट है ना आ रखे बिकने के लिए, तो आजकल उनसे बनाते हैं, तो उनको वो बच्चे किचन सेट लेते हैं, और हमारे यहाँ ना ऐसे ही बना देते थे चूल्हा भांडी खेलने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा सुबह से, कल रात भी मैंने खाना बनाया, सुबह का नाश्ता भी और दोपहर में भी, वो खाना भी यहीं पे बैठ के खाया। ये प्याज लगा के हम दोनों आ गए यहाँ पे चूल्हा भांडी खेलने, दुकान के लिए देर हो गई सर चूल्हा भांडी की। तो यहाँ पे संगीता ने बना दी थी चाय, संगीता भी आ गई थी चूल्हे में चाय बनाने के लिए। और बच्चे कह रहे हैं कि दुकान का टाइम हो गया है, आज दुकान नहीं जाना है क्या आपको। तो हम दोनों ना मस्त हो रखे हैं चूल्हे में बैठ के चाय पीने में। और मैं संगीता को कह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे पहले हमारी चिमनी वाला चूल्हा था, ये हमने इसे तुड़वा के इस तरह से कांच कूँच और ये लगा दिए थे इसमें,
तो फिर संगीता कह रही थी दीदी मत पड़ इस लफड़े में, क्योंकि एक दो दिन बाद फिर तूने ऊपर के ही किचन में बनाना है खाना। तो चाय भी हम दोनों ने पी ली है और संगीता ना ऐसे लेके जा रही है आपको किचन से, कहीं उसने डाल रखी होगी आग वहाँ डाल देगी। उसका ना आड़ा है जलाने के लिए, आड़ा मतलब वो क्यारे से कूड़ा कबाड़ा निकाला होगा उसमें डाल देगी उसको और वो जल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ना कर देती लाइट बंद अपने चुल्ली भांडी वाले किचन की, आग भी जल रखी है यहाँ पे, और मैं तैयार होकर चली जाऊँगी शॉप में।